अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग फेसबुक के पेजेस से पैसा कमा रहे हैं? नहीं, हम उस पर नहीं कमा पा रहे क्योंकि मोनेटाइजेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत सारे वॉचिंग आवर्स हमें चाहिए हैं, उसके बाद ही हमारा पेज एलिजिबल होगा मोनेटाइजेशन के लिए। अब ये मसला तो फेसबुक के स्पेशल फीचर ने पहले ही खत्म कर दिया कि आप लोगों को बहुत ज्यादा वॉच टाइम चाहिए या फिर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग अपने एक फ्रेश चैनल से ही अपनी मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये बात सुनने में तो मजाक ही लग रही होगी। आई नो बात मजाक की भी है, बट इसके बिहाइंड द सीन एक ऐसी फ्रेश न्यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने फ्रेश चैनल से ही मोनेटाइजेशन एक्सेस करके अपने लिए अर्निंग बनाना शुरू करोगे। अब फेसबुक पेज के बारे में हमें इस लिहाज से तो नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप लोग फेसबुक के पेजेस पर वीडियोस अपलोड करके अपनी अर्निंग बनाओगे। अब हम वीडियोस किस तरीके से निकालेंगे, भाई हमें अपना कॉन्टेंट बनाना है या किसी और का कॉन्टेंट उठा के अपने पेज पर अपलोड करना है, तो आप लोग काम दोनों तरीके से कर सकते हो। बट अगर आप लोग अपने कॉन्टेंट की और अपनी वीडियोस बनाकर फेसबुक पेज पे पोस्ट करोगे तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप लोग किसी और का कंटेंट उठाओगे तो आप लोगों के पेज पे कॉपीराइट तो आना लाजमी है। लेकिन यार हम तो काम इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि हमारा फेस भी ना हो, ना हम कैमरे के सामने आए और हमारा फेसबुक पेज चल पड़े। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, आप लोग किसी और का काम भी यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन इससे पहले मैंने बोला कि भाई हमारे पास कॉपीराइट आ जाएगा। भाई कुछ टेक्निक है, कोई तरीका है काम करने का। जरूरी नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट किसी का काम उठा के डाल दोगे और फेसबुक आपको पैसे देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल तरीके से काम करोगे तो फेसबुक आपके पेज को मोनेटाइज भी करेगा, आपकी रीच भी बढ़ाएगा और आप लोगों को लाइक्स और व्यूज भी लाकर देगा। अब ये काम होगा किस तरीके से और ये काम करना किस तरीके से है, तो भाई टेंशन नहीं लेनी, आपको भाई यहाँ पर हाजिर है, आप लोगों को पूरा का पूरा काम समझाएगा, तो सारे तरीके भी बताऊंगा कि फेसबुक का पेज आप लोग विद इन 15 डेज, विद इन 10 डेज और अगर पहला फ्रेश चैनल है तो उसको भी मोनेटाइज करवा लोगे और अपनी अर्निंग बनाना शुरू कर दोगे। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लोग लाजमी वॉच करिएगा, क्योंकि सारी की सारी टेक्निक्स, सारे के सारे तरीके आप लोगों को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बट समझेगा भी वही और कमाएगा भी फेसबुक के पेज से वही। इन सारी की सारी टेक्निक्स को फॉलो करेगा, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो वही टेक्निकली उसकी अर्निंग भी बनेगी, उसका पेज भी मोनेटाइज होगा। और सिर्फ एक पेज नहीं, एक पेज जैसे मोनेटाइज हो जाए फॉरन नेक्स्ट पेज को आप लोग मोनेटाइज करेंगे, उससे भी अपनी अर्निंग बनाना शुरू करेंगे। बट काम तो है सिंपल, मेरे लिए होगा मुश्किल, आपके लिए, क्योंकि आप लोग स्किप करके आगे जाओगे और काम नहीं समझोगे, स्टेप नहीं समझोगे और अपने काम में लग जाओगे। बट आपको इन दी एंड पता चलेगा कि यार ये काम तो मैंने गलत कर दिया। गलत क्यों होगा, क्योंकि आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक वॉच ही नहीं की होगी, बिकॉज आप लोगों को वो टेक्निक ही नहीं पता कि किस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक के पेज को मोनेटाइज करवाओगे और फेसबुक को नॉक नॉक करोगे कि हाँ भाई हमारे पास व्यूज भी है, लाइक्स भी है और हमारा पेज मोनेटाइज भी है, लाओ हमें हमारी अर्निंग दे दो। बट इसी के साथ साथ इस काम को फॉलो करना पड़ेगा और स्टेप्स को भी लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। आप लोगों का फेसबुक का पेज मोनेटाइज होगा और फेसबुक आपको खचाखच पैसे देना शुरू कर देगा। अब जिन लोगों का फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो भाई वो इस वीडियो को लाजमी वॉच करें, और जो फेसबुक के पेज पर काम ही नहीं कर रहे हैं वो स्किप करके चले जाएं, क्योंकि उन लोगों को पैसा तो कमाना नहीं है। और अगर कोई बता रहा है कि ये काम करोगे इस तरीके से, ये इस पूरे काम के स्टेप हैं, इसको फॉलो कर लो और अपनी अर्निंग बना लो, तो भाई उनको कमाना तो है नहीं, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो। बट जो अगर सीरियस होकर ये काम देख रहे हैं, फेसबुक का पेज अपना मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारे स्टेप्स इसी वीडियो में गाइड करूंगा। तो भाई गपशप तो हमारे डेली बेसिस पे होती रहेगी, अब मैं डायरेक्ट चलूंगा स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को वो काम बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक के पेज को वेरी फर्स्ट डे से मोनेटाइज करके अपनी अर्निंग बनाने शुरू कर लेंगे। बट ये काम है टेक्निकली और थोड़ा सा अपनी भी साइकी यूज करनी है, तो वो लाजमी करिएगा, वरना कॉपी पेस्ट काम तो हर कोई कर रहा है लेकिन कमा कोई भी नहीं रहा। सो कर एनीवे डायरेक्ट मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। बट अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सो मस्ट वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आती है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन फौरन आ जाएगी जैसे मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी। तो चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, लेट्स गो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि आप लोग ये काम मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी अपने फेसबुक पेज को क्रिएट करके उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर पूरा का पूरा काम समझा रहा हूँ, आप लोग इसको लैपटॉप पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग जैसे ही अपने फेसबुक के ऐप पर आएंगे, वहाँ पर आप लोग अपने पेज को ओपन कर ले। अगर आप लोगों का पेज क्रिएट हुआ है पहले से तो वेल एंड गुड है, और अगर आप लोगों ने फेसबुक का पेज नहीं बनाया हुआ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग किस तरीके से अपना न्यू और फ्रेश फेसबुक का पेज बनाएंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल साइड में राइट साइड पर लोगो और प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही यहाँ पर आएंगे, मेगा स्टोर के बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हैं एरो का बटन है, आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर पॉपअप कॉलम ओपन हो गया है, जिस पर मेरे पास लाइन से मेरे पेजेस नजर आ रहे हैं। आप लोग जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्रिएट फेसबुक पेज, आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे, अपने फेसबुक पेज का नाम लिखेंगे, यूजर नेम लिखेंगे,
सारी की सारी डिटेल्स फुलफिल करेंगे और अपना पेज क्रिएट कर लेंगे। एंड नाउ मैं वापसी आ जाता हूँ अपने फेसबुक के पेज के डैशबोर्ड पे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर डैशबोर्ड पे आता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा सी डैशबोर्ड का ऑप्शन। आपने सिंपली यहाँ पर सी डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम पेज पे आप लोगों की पूरी डिटेल्स आ रही होंगी, रीच, नेट फॉलोअर्स और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होंगी। बिल्कुल टॉप पर जहाँ पर होम लिखा हुआ है उसी लाइन में आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को सामने नजर आ जाएगा मोनिटाइजेशन का ऑप्शन। आप लोगों ने सिंपली मोनिटाइजेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप मोनिटाइजेशन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या शो हो रहा होगा, मेरे पास भी यही शो हो रहा है, नॉट येट एलिजिबल। अब यहाँ पर अर्निंग किस तरीके से होती है कि एड्स ऑन रील्स, आपकी रील्स पे एड्स चलते हैं, उसके अलावा बोनसेस का आपके पास ऑप्शन है, इन स्ट्रीम एड्स। अब हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट है वो है इन स्ट्रीम एड्स, मतलब हमारी फेसबुक पे जो वीडियोस अपलोड हों उस पर एड्स चले और हमारी अर्निंग बने। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का कॉलम है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है इन स्ट्रीम एड्स। अब हमारी वीडियोस पे एड्स तभी चलेंगे जब हम लोग अपनी मोनिटाइजेशन को एक्सेस ले लेंगे। एंड मोनिटाइजेशन की एक्सेस लेने के लिए हमने सिंपली इन स्ट्रीम एड्स पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने इंटरफेस शो हो रहा होगा इन स्ट्रीम एड्स इन नाउ पार्ट ऑफ कंटेंट मोनिटाइजेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप लोग अपने फेसबुक पेज को मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट पर ही काम करें, आप लोग रील्स पे भी काम कर सकते हैं। मतलब अंडर 60 सेकंड की जो वीडियोज होती है आप लोगों ने बेसिकली उस पर काम करना है और उससे अपने फेसबुक के पेज को मोनिटाइज करना है। लेकिन उसके लिए भी हमें वॉच टाइम कम्प्लीट करना पड़ेगा और हमें फॉलोअर्स चाहिए होंगे, तो भाई टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब यहां पर एक टेक्निकल काम समझ लें, मैंने आप लोगों को टू वेज बताए थे। आप लोग अपने फेसबुक के पेज पर वो कंटेंट अपलोड करेंगे, मतलब या तो अपना कंटेंट अपलोड कर दिया नंबर वन, और अपने ही वीडियो से, अपने ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से 5 से 6 रील्स निकाली और उसको अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी। अब यहाँ पर हम अपना कंटेंट तो बनाते नहीं है, मैं यहाँ पर अपना कंटेंट बनाता हूँ तो मैं पोस्ट कर सकता हूँ इजिली, लेकिन बहुत से लोग अपना कंटेंट नहीं बनाते, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, आप लोग किसी और का कंटेंट उठाएं। अब ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो यूट्यूब से उठाई या किसी और प्लेटफॉर्म से उठाई और यहाँ अपने फेसबुक के पेज पर लाके पोस्ट कर दी, इतना भी मस्ती मजाक नहीं चल रहा, इतना भी काम को आसान नहीं लो। सिंपल आपका काम यह है कि आपने किसी की भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो को उठाई, उन वीडियोस को रील्स के रेशो में चेंज किया और चेंज करने के बाद उस पर अपने रिएक्शन दे दिए। बट अगर भाई हम यहाँ पर अपने रिएक्शन भी देते हैं तो उसके लिए भी हमें खुद की वीडियो बनानी पड़ेगी, कैमरे के सामने आना पड़ेगा। चलो ये भी मसला मैं हल कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। किसी का कॉन्टेंट आपने उठा लिया, किसी भी सेलिब्रिटी का कॉन्टेंट उठा लिया, किसी भी बड़े अच्छे शो का आपने कॉन्टेंट उठा लिया, उसको रील के फॉर्मेट में चेंज किया, अपना रिएक्शन मत दो, बस उसको अंडर 60 अंडर 59 सेकेंड तक की वीडियो क्लिप में रहने दो और उसको रील के रेशो में कर दो। क्या बन गई आपकी रील बन गई। अब रील को अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दो। ये बात तो सबको पता है ना कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अलावा अब रील्स पे भी आप लोगों का फेसबुक पेज मोनिटाइज हो रहा है, और इसके अलावा जितनी ऑडियंस, जितना ट्रैफिक फेसबुक पे है इतना किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना ही यूट्यूब पर है। फेसबुक पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। अब वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो रेशियो फेसबुक पे ही ट्रैफिक का सबसे ज्यादा हमारे पास हमें देखने को मिलता है। तो भाई हमने यहाँ से किसी और का कंटेंट उठा लिया, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उठाया, उसको रेशो में कर लिया रील के, अंडर 59-58 सेकंड तक की हमने रील बना ली। डेली बेसिस पे 5, 6, 7 और 8, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा डेली टारगेट रखो 10 रील्स का। आपके फेसबुक पेज है, आपने पूरे 24 आवर्स में एक एक घंटा दो दो घंटे के गैप से अपनी 10 वीडियोस 10 रील्स अपलोड करनी है। उस पर आप लोगों के पास विद इन 15 डेज, आई गारंटी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, विद इन 15 डेज आपकी इतनी सारी रील्स हो जाएंगी और उनमें से कोई भी एक रील ऐसी होगी जो 1 लाख प्लस चली जाएगी। अब बेसिकली आप लोगों को विद इन 15 डेज, ये कोई टारगेट नहीं है, ये मैं एक इमेजिनेशन से आप लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए बता रहा हूँ कि गोल यही रखना है कि विद इन 15 डेज कोई एक ऐसी रील होगी जो आप लोगों की लैक प्लस चली जाएगी। अब वो लैक प्लस रील आप लोगों की चली गई, आप लोगों के फेसबुक पेज पे एक अच्छी खासी ऑडियंस आ गई 1 लाख प्लस। अब आप लोग ने सिंपली इसी ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आप लोगों को सामने नजर आ रहा है आई एम इंटरेस्टेड। अब ये ऑप्शन आप लोगों को तब भी नजर आएगा जब आप लोग बिल्कुल फ्रेश पेज अपना बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश पेज क्रिएट कर लिया और यहाँ पर डायरेक्ट आई एम इंटरेस्टेड आप लोगों के पास पॉप अप आया, आपने सिंपली आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दिया। भाई ऐसा नहीं, चैनल पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होनी चाहिए ना, फेसबुक को नजर आना चाहिए कि भाई ये क्रिएटर, ये जो ऑनर है पेज का, ये कुछ कर रहा है पेज पे, मतलब एक्टिविटी है डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ अपलोडिंग है,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पेज है। अब आपने फ्रेश पेज रेडी कर लिया, तब आपने आई एम इंटरेस्टेड पे नहीं क्लिक करना, 15 डेज का टारगेट रख लेना, डेली बेसिस पे 10 वीडियोस अपलोड करना। विद इन 15 डेज आई गारंटी कोई ना कोई एक रील आप लोगों की 1 लाख प्लस चली जाएगी। अब जो 1 लाख प्लस चली गई, आप लोगों का पेज एक अच्छी ग्रो में आ गया, एक अच्छी ऑडियंस कैप्चर करने पे आ गया, एक अच्छा ट्रैफिक आप लोगों के पेज पे आ गया है। ठीक है, ये फेसबुक एटलीस्ट इतनी तो मांगता है कि भाई हमें इतनी तो ग्रोथ ला के दो, इतनी तो ऑडियंस ला के दो पेज पे कि हम उसको एलिजिबल करें मोनेटाइजेशन आपके पेज के लिए। अब जैसी 1 लाख प्लस एक रील आप लोगों की चली गई, आपने वापसी इसी कॉलम पे आने, अब उसके बाद इस प्रोसेस के बाद आपने आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछ रहा है लेट अस नो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर फॉरन टाइप कर दिया कि भाई मैं एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा फैन फॉलोअर हूँ और उसकी मैं वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे पेज को मोनेटाइज करो ही करो। भाई आपने यहाँ पर सिंपली फेसबुक को टाइप करके देना है अपने इंटरेस्ट के बारे में। ऑप्शनल में भी आप लोग पढ़ सकते हैं लेट अस नो व्हाई यू थिंक यू शुड बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पर ऑप्शनल में आप लोगों को क्या मैसेज शो हो रहा है, सिंपली फेसबुक आप लोगों से ये पूछ रहा है हमें ये बात बताओ कि आप लोग क्यों इस काबिल हो कि आप लोगों के फेसबुक के पेज को हम एलिजिबल करें। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी से, मैं ये रिकमेंड करूंगा चैट जीपीटी साइड कर दो, अपनी ओन वर्डिंग में कुछ इस तरीके का सेंटेंस टाइप करो जो लेजिट और ऑथेंटिक लगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, उर्दू में बताऊंगा, आप लोगों ने इसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके यहाँ पर टाइप करना है एंड देन सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक कर देना। आप लोग सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे भाई फेसबुक नहीं लिखना, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, भाई फेसबुक मैं अपने पेज पे एक अच्छी ऑडियंस लेकर आ चुका हूँ और मैं डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ भी काम कर रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि भाई आप मेरे पेज को मोनेटाइज करो ताकि मेरा पेज मोनेटाइजेशन हो जाए और मेरी जो मेहनत है उसका मुझे इन रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। एंड जहां तक कंसिस्टेंसी की बात है, तो भाई कंसिस्टेंसी के साथ मैं विद इन 15 डेज से अपना काम कर रहा हूँ अपने पेज पे, ऐसे नहीं बना के छोड़ दिया, मैं विद इन 15 डेज जो 15 डेज पे मैंने काम किया है वो आप लोगों के सामने है, कंसिस्टेंसी के साथ मैंने 10 रील्स अपलोड की है एंड सो ऑन, मैं फ्यूचर में भी इसी तरीके से अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे फेसबुक के पेज को एज सून एज पॉसिबल मोनेटाइज किया जाए। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आप लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और उसको यहाँ पर टाइप करके पेस्ट कर देना है एंड देन सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 15 डेज, 30 डेज और 45 डेज। अब इतना लंबा गैप क्यों भाई, ये तो टेक्नोलॉजी है, इसमें तो फॉरन हमने रिक्वेस्ट भेजी, अब या तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो या फिर डिक्लाइन हो जाए। अब यहाँ पर जितने भी लोग एशिया में रहते हैं उनको मसला ये फेस आता है, खास तौर पर फेसबुक के क्रिएटर्स को, कि भाई उनकी जो भी रिक्वेस्ट होती है मोनेटाइजेशन के हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम के या किसी भी एरर के हवाले से, उनको उसका रिप्लाई बड़ा लेट मिलता है। बिकॉज फेसबुक की कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसी पॉलिसीज और कंडीशंस आप लोग समझें कि वो एशिया में बहुत ही ज्यादा लेट रिप्लाई करते हैं, मतलब यूरोप में ज्यादा करते हैं, सारी कंट्रीज से ओवरऑल घूम घाम के फिर अगर उनको याद आता है कि हाँ भाई एशिया में भी क्रिएटर्स फेसबुक पर बैठे हुए हैं, तो फिर वो उनको रिप्लाई करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं या जो भी इशू होता है वो उनको बता देते हैं। अब यहाँ पर इसका मसला किस तरीके से हल करना, हमने इतनी मेहनत की है, हमारा पेज यहाँ पर मोनेटाइज नहीं हुआ, कोई जवाब ही नहीं आ रहा फेसबुक की तरफ से, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक तरीका और कह लो एक जुगाड़ बता देता हूँ। आप लोगों का कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड अगर यूरोप साइड पर रहता है तो आप लोगों ने अपना अकाउंट उसको दे देना है, पूरा ईमेल पासवर्ड का नहीं बोल रहा मैं, उसको अकाउंट का एक्सेस दे देना है। अब आप लोग यहाँ से कंटेंट अपना रेडी करें, उसको सेंड करने के भाई आप ना उसको अपलोड करो अपने पास, सिर्फ आपने अपलोडिंग करनी है, बनाकर मैं दूंगा, डेली बेसिस पे वो शेड्यूल करता रहेगा और वो वीडियोस आप लोगों की पब्लिक होती रहेंगी। 15 डेज 20 डेज अकाउंट उसके पास लॉगिन होगा, अपलोडिंग उसकी साइड से जारी होगी, मतलब यूरोप की आईपी एड्रेस से जारी होगी, तो बेसिकली उसकी क्रिएशन तो पाकिस्तान की होगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अपलोडिंग आईपी जारी होगी वो सारी यूरोप साइड से जारी होगी। और पहले मैं बता चुका हूँ कि यूरोप साइड के जितने भी फेसबुक के क्रिएटर हैं उनका कोई भी प्रॉब्लम हो मोनेटाइजेशन के हवाले से हो या एक्सपायर्ड किसी भी हवाले से हो, उनको रिप्लाई फॉरन मिलता है। अब जब वो वहां से 15 डेज 20 डेज वो आप लोगों के कॉन्टेंट को आप लोगों के पेज पे अपलोड करेगा, तो उस पेज पे आप लोग का जो पेज होगा उस पर यूरोप साइड की आईपी लग जाएगी। अब वो वहां से जब मोनेटाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसका जवाब उसको जल्दी आ जाएगा और जल्दी के साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों की मोनेटाइजेशन भी हो जाएगी। अब जैसे आप लोग यहाँ पर मोनेटाइजेशन हो गई, वहां पर रुक नहीं जाना, अब काम को बढ़ाना है। जहां पर आप लोग पर डे 10 रील्स अपलोड कर रहे थे, वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पर डे 15 रील्स और पर डे 20 रील्स पर आप लोग आ जाए, ताकि व्यूअरशिप भी ज्यादा बढ़े और मोनेटाइजेशन तो हो गई है, जितने व्यूज उतनी अर्निंग आपके फेसबुक पेज से आप लोगों को मिलेगी।
अब ये पूरा का पूरा काम फेसबुक ने स्पेशल फीचर में, इसी स्पेशल फीचर में इन स्ट्रीम एड्स में आप लोग जब जाते हैं तो रील की आप लोगों को स्पेसिफिकली एक अपॉर्चुनिटी दी है। जरूरी नहीं है कि आप लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही अपने फेसबुक पेज पोस्ट करो और उस पे व्यूज लाओ और अपनी मोनेटाइजेशन करवाओ। अब फेसबुक आप लोगों को रील्स पे भी मोनेटाइजेशन करके दे रहा है ऑन। तो भाई अब ये काम आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितनी कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को सीरियस लेते हैं और इस काम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। आप लोगों का फेसबुक का पेज एज सून एज मोनेटाइज हो जाए आप लोगों की अर्निंग बनना शुरू हो जाए। अब ये काम बहुत ही सिंपल और बहुत इजी था बिकॉज मैं इस काम को तो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर ही रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्यों ना आप लोग भी इस काम को फॉलो करें और अपने लिए अर्निंग बनाना शुरू कर सके फेसबुक पेज से। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा काम समझ आ गया होगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे परेशान हो गए होंगे कि राकेश भाई ये क्या बात हुई, आपने तो हमें काम करने पे मजबूर कर दिया है और हम किस तरीके से ये करेंगे। तो भाई काम करोगे तो ही पैसा आएगा, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग सोते रहो और कोई तुम्हारे लिए काम करे तो ही तुम लोगों के पास पैसा आएगा। हाँ अगर तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि भाई तुम सोते रहो और दूसरे वर्कर तुम्हारे एम्प्लॉयज काम करेंगे और तुम लोगों को पैसा बना के देंगे। बट फिलहाल वो सब चीजें छोड़ दो और तुम लोगों को खुद ही काम करना है, खुद ही अपने लिए पैसे बनाने हैं। इस काम को फॉलो करो और फेसबुक पेज से अपनी अर्निंग बनाना शुरू करो। अब काम तो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को समझा ही दिया।